एक कविता जो नीरज जी की है जो बहुत इम्प्रेस्ड करती है हमें कि हम तो मस्त फकीर हमारा कोई नहीं ठिकाना रे, जैसे अपना ना प्यारे वैसे अपना जाना रे। मैं बसाना चाहता हूँ स्वर्ग धरती पर, आदमी जिसमें रहे बस आदमी बनकर, उस नगर की हर गली तैयार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ। उन्होंने जो रचनाएं दी हैं वो अपने आप में एक अमूल्य धरोहर की तरह हैं। जैसे अभी गीली उम्र बनाने वालों, बिना डूबे नहाने वालों, कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता है। गीत तो ऋषि कवि गोपाल नीरज दास जी की आज जयंती है, उसके उपलक्ष्य में लखनऊ के बिजनौर में पत्रकारों का जो ऑफिस है वहाँ पर एक उनके विचारों को लेकर एक गोष्ठी की गई है। वरिष्ठ पत्रकार जिसमें पंकज शुक्ला जी मौजूद हैं और उन्हीं के साथ में वरिष्ठ पत्रकार SBN शुक्ला जी हैं, साथ में हमारे पत्रकार कई भाई मौजूद हैं, तो उनके साहित्यिक योगदान को लेकर चर्चा की जा रही है। बात करेंगे वरिष्ठ पत्रकार पंकज शुक्ला जी से। देखिए, गोपाल दास नीरज हिंदी का एक इतना बड़ा नाम है जिनके लिए कुछ कह पाना सूरज को दीपक दिखाने जैसा है। सैकड़ों वर्ष उनके गीत गाए जाते रहेंगे। उन्होंने ऐसे कालजयी गीतों की रचना की। 4 जनवरी को जन्मे नीरज जी का आज यहाँ जयंती पर नमन श्रद्धांजलि दी जा रही है। आप इतने बड़े कवि रहे कि जिनके लिए कुछ कह पाना आज के कवियों के बस का नहीं है। इन्होंने मुंबई फिल्म नगरी में ऐसे ऐसे गीत दिए जो मील का पत्थर हैं। उनके गीतों पर आज चर्चा यहाँ कार्यालय पर की जा रही है। जैसे उनका गीत है, कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे तो, तड़फता हुआ जब तुम्हें छोड़ दे तो तब तुम मेरे पास आना प्रिय। मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। मानवीय भावनाओं को लेकर उन्होंने ऐसे गीत लिखे जैसे, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ, बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ, मैं बसाना चाहता हूँ स्वर्ग धरती पर, आदमी जिसमें रहे बस आदमी बनकर, उस नगर की हर गली तैयार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ, हूँ बहुत नादान करता हूँ ये नादानी, बेच कर खुशियाँ खरीदूँ आँख का पानी, हाथ खाली है मगर व्यापार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ। इस तरह के ऐसे गीत उन्होंने गाए जिनको आज चाहे बुजुर्ग हों, चाहे जवान हों, चाहे बच्चे हों, सभी याद करते हैं। और गोपाल दास जी नीरज जी का जो इतना बड़ा व्यक्तित्व तो है हिंदी के लिए, हिंदी साहित्य में उनका योगदान जो है उस पर चर्चा कितनी भी की जाए कम है। बात करेंगे वरिष्ठ पत्रकार SBN शुक्ला जी से। आपकी नज़रों में नीरज जी की साहित्यिक योगदान को आप कैसे देखते हैं? नीरज जी का साहित्यिक योगदान अद्वितीय है और आज जो हमारे रचनाकार लेखक भाई हैं उनके लिए वो बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत हैं। उन्होंने जो रचनाएं दी हैं वो अपने आप में एक अमूल्य धरोहर की तरह हैं। जैसे अभी हमारे पंकज भाई ने कहा कि उनकी रचनाएं आज कल भी गाई जाती थी, आज भी गाई जा रही हैं और आने वाले सैकड़ों वर्षों तक उन्हें सतत ऐसे ही लोग गाते गुनगुनाते रहेंगे।
ऐसा सभी जानते हैं और मानते हैं कि नीरज जी का जो साहित्यिक योगदान रहा है वह अपने आप में अद्वितीय है, और जैसा कि वरिष्ठ पत्रकार पंकज शुक्ला जी ने बताया कि उस पर जितनी भी चर्चा की जाए वह कम है। उनकी ही कुछ प्रेरणादायक लाइन हैं जो मुझे हमेशा प्रेरित करती हैं कि छुप छुप अश्रु बहाने वालों, व्यर्थ मोती लुटाने वालों, कुछ सपनों के टूट जाने से जीवन नहीं मरा करता है, गीली उम्र बनाने वालों, बिना डूबे नहाने वालों, कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता है। तो ऐसी कल्पना करके उसको अपने शब्दों में फिरो के लोगों तक तो पहुंचाना, समाज के प्रति पहुँचाना एक बहुत बड़ा कार्य उनके द्वारा किया गया है, जो इसको जितना समझा जाए उतना कम है, और लोगों को ऐसे शब्दों से प्रेरणा मिलती है जैसा मुझे मिलती है। तो उनके द्वारा के साहित्यिक योगदान को हम सभी पत्रकार बंधु नमन करते हैं। और भी कुछ जानना चाहेंगे शुक्ला जी से? एक कविता जो नीरज जी की है जो बहुत इम्प्रेस्ड करती है हमें, कि हम तो मस्त फकीर, हमारा कोई नहीं ठिकाना रे, जैसे अपना ना प्यारे वैसे अपना जाना रे, राम घाट पर सुबह गुजारी, प्रेम घाट पर रात कटी, बिना छावनी बिना छपरिया अपनी हर बरसात कटी, देखे महल दुमहले कितने, देखे कितने महल दुमहले, उतने ठहरा तो जाना, कोई घर हो भीतर से तो हर घर है वीराना रे, हम तो मस्त फकीर कोई नहीं ठिकाना रे, औरों का धन सोना चांदी, अपना धन तो प्यार रहा, दिल से जो दिल का होता है वो अपना व्यापार रहा, हानि लाभ की वो सोचें जिनकी मंजिल धन दौलत, हमें सुबह की ओस सरीखा लगा, नफा नुकसान रे, हम तो मस्त फकीर, हमारा कोई नहीं ठिकाना रे, कांटे फूल मिले जितने भी स्वीकार पूरे मन से। इस तरह का ये जो गीत है कि हम तो मस्त फकीर, हमारा कोई नहीं ठिकाना रे, जैसे अपना ना बंदे वैसे अपना जाना रे, एक प्रेरणा देता है कि यहाँ पर कहीं कुछ नहीं है। जैसा गीत नीरज जी बताते हैं, एक संदेश देते हैं कि यहाँ मानव को कैसे जीना चाहिए और किस तरह से वो यहाँ रहता है, तो नीरज जी सदैव प्रेरणा स्रोत रहेंगे मानव समाज के लिए। आप देख रहे हैं राजनीति, वीडियो जर्नलिस्ट पीयूष पांडे के साथ प्रशांत वाजपेयी, लखनऊ।